हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डेयर और नीड के बारे में। जैसे देखिए मैंने लिखा है इस पर डेयर और नीड। दोस्तों बात यह है कि डेयर और नीड कभी एक्सिलरी वर्ब के रूप में आ जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कभी आ जाते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो दिक्कत आती है बच्चों को समझने में कि इसका उपयोग हम मेन वर्ब में करें कि एक्सिलरी वर्ब में, इसका मायने क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है और कहां उपयोग करें हम लोग। तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज जिसकी बारीकियां हैं उसे एक्सप्लेनेशन कर मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसके बारे में जान जाएंगे या हमेशा आपको किसी न किसी बुक में इसका उपयोग हमेशा मिलता रहता है डेयर और नीड के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में आपके सामने उपस्थित होकर आपके सामने मैं बताता हूं कि कैसे इसे हम लोग सॉल्व करने में कैसे इसे समझेंगे। दोस्तों डेयर जो है, डेयर और नीड जो है, इसे हम लोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब तो है ही, इसे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब हम लोग कहते हैं। देखिए मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। एक्सिलरी वर्ब के भी बहुत रूप होते हैं जो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि वर्ब के रूप में, उसको आप सब समझ में आ जाएगा आपको। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब वो होता है जो वर्ब जो होता है, जो एक्सिलरी वर्ब अपना रूप बदलता है, अर्थात कभी मेन वर्ब में हो जाता है और कभी एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है, तो अपना रूप बदलता है, इसलिए इसे हम लोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये है, ये अपना रूप बदलता है, इसलिए ये क्या है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। तो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में समझ, जो अपना रूप बदलता है, यानी मेन वर्ब कभी होता है कभी एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है, तो इसलिए मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब इसके बताते हैं इसका हिंदी अर्थ आखिर में होता क्या है। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है, डेयर का जो मतलब होता है वो साहस करना, ये हिम्मत करना, या कभी कभी होता है ललकारना के सेंस में। और नीड का मतलब होता है कि आवश्यकता होना, की आवश्यकता होना या की आवश्यकता पड़ना, या केवल आवश्यक से हो जाता है ना, आई नीड हिम, मतलब मुझे उसकी आवश्यकता है या आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इसको देखिए, इसको हिंदी जो पहले जान लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। देखिए जब तक ले मेन चीज नहीं समझिएगा, बहुत सारे हिंदी जो विद्यार्थी हैं जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं वो, उनको हिंदी जानना बहुत आवश्यक है। तो जो इंग्लिश मीडियम है वो तो मान लीजिए अंग्रेजी मीडियम जानेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम है उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि डेयर का मीन्स होता है डेयर, डेयर का मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना या ललकारना, और नीड का मतलब होता है कि आवश्यकता होना या पढ़ना। ठीक है, ये आप इसका हिंदी। अब इसे जो सेंटेंस आते हैं उसे बनाते कैसे, इसके रूल में मैं आपको बनाकर रूल में दिखाता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर है डेयर और नीड की। अगर डेयर और नीड की बात की जाए, अगर डेयर और नीड की जब प्रयोग है, जिसका प्रयोग है, अगर मेन वर्ब के रूप में रहे, मेन वर्ब के रूप में रहे, तब हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डेयर एंड नीड लिखते हैं जो इसमें आपको आवश्यकता है सेंटेंस को सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे या टू वर्ब आ जाता है। मान लीजिए अगर सेकेंड वर्ब आ रहा है इसके अलावा, ये तो मेन वर्ब हो गया, इसके अलावा कोई वर्ब आ रहा है तो हम यहाँ पर टू वर्ब या इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, और जो बचेगा उसके बाद ईटीसी लिखा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या करना। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक नंबर एग्जाम्पल देते हैं हिंदी में पहले कि उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। हो गया दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या है कि देखिए यहां पर लिखा है ना कि की आवश्यकता, की आवश्यकता है, लास्ट में क्या है की आवश्यकता है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जैसे जानते हैं कि नीड का प्रयोग जो होता है वो की आवश्यकता के सेंस में होता है। ठीक है, तो हम इसे नीड से बनाएंगे, तो नीड को हम लोग मेन वर्ब के रूप में यहां पर लेंगे। जैसे अब यहां पर बनेगा ही, अब जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जानते हैं कि अगर लास्ट में ता है रहेगा तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ता में अगर सब्जेक्ट जो है ही सी इट, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आता है, तो वर्ब में क्या प्रयोग होता है, एस आई एस का प्रयोग होता है। तो यहां मेन वर्ब के रूप में आवश्यकता है, तो मेन वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, नीड। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग नीड, और एस आई एस को प्रयोग होता है, नीड्स लिखेंगे, उसके बाद है मेरी, तो नीड्स टू हेल्प माई हेल्प, यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर कि उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग
माई हेल्प, ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये हो गया मेन वर्ब के रूप में, और ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आया कि उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, तो लास्ट में की आवश्यकता है, और की आवश्यकता जो है जैसा कि नीड मैंने बताया कि इसका प्रयोग की आवश्यकता का है किस सेंस में होता है। तो हम ऐसे अगर अंग्रेजी आएंगे तो उसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। यहां पर देखिए दो एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। पहला एग्जाम्पल है, मुझे एक बुक की आवश्यकता है। देखिए देयर और नीड का जो प्रयोग होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही होता है। अगर देयर नीड का वर्ब का प्रयोग होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अनुसार होता है, ठीक है। तो ता है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही होगा। अब इसे हमें बनाएंगे तो देखिए यहां पर है की आवश्यकता है, इसका मतलब क्या है, ये नीड का प्रयोग होगा। तो हम लोग जैसे बनाएंगे आई क्या होगा कि आई, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों मेन वर्ब के रूप में की आवश्यकता है, तो आई नीड। अब ए से आई एस लगेगा, आप बताइए यहां पर ए से आई एस का प्रयोग होगा नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ ई से एस का प्रयोग नहीं होता है। तो आई नीड ए बुक, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे तीसरे एग्जाम्पल है, कुछ पैसे की आवश्यकता यानी जरूरत है। आवश्यकता होना या जरूरत होना एक ही बात है, तो फिर उसी से हम बनाएंगे। जैसे यू है तो यू के साथ हम लोग यू लिख दिए, यहां पर नीड लिख दिए, और इसमें यू है तो एस आई एस का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद सम मनी, सम मनी, इस तरह से जो आपको आएंगे सेंटेंस तो हम इसे बना लें। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट, जैसे कि मैंने ये तो नीड का एग्जांपल दिया, अब आपके सामने डेयर का एग्जांपल देते हैं कि डेयर वाले अगर आते हैं तो उसका एग्जांपल कैसे रहता है, उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि डेयर का मतलब होता है साहस करना, ललकारना या हिम्मत करना, तो उसका एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए इसमें दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, एक है चार नंबर एक फोर नंबर। तीन एग्जांपल मैंने नीड पर दिया है। अब डेयर पे एग्जांपल, जैसे उसे वहां जाने की हिम्मत है, देखिए हिम्मत की बात हो गई लास्ट में, ये वर्ब के रूप में वहां उस वहां जाने की हिम्मत है, तो हिम्मत है, जैसे कि हिम्मत है या साहस होना जो होता है वो किससे प्रदर्शित होता है, तो डेयर से। डेयर का मतलब ही होता है हिम्मत होना या साहस, जैसे मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। अब इसे बनाएंगे कैसे, जैसे जैसे सब्जेक्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पहले सब्जेक्ट ही लिख दिए, उसके बाद डेयर और नीड की, तो यहां पर हिम्मत की बात है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेयर। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलता है, तो ही के साथ हमेशा एस आई एस का प्रयोग लगता है, तो यहां पर क्या लगेगा दोस्तों, एस लग गया। अब वहां जाने की इसमें, तो यहां पर टू गो देयर, ये हो गया, यहां बन गया सेंटेंस। क्यों टू गो, कि देखिए इसमें लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वर्ब आ जाएगा तो हम लोग इन्फिनिटिव के रूप में आता है टू वर्ब लिख देंगे। तो जैसा एक और वर्ब जाने की बात आ गई यहां पर, तो इसलिए मैंने टू वर्ब लिख दिया है, तो ये होगा। जैसे अब अगला एग्जाम्पल देखने, उन लोगों को यहां आने की साहस है, तो उन लोगों का क्या होता है दोस्तों, यू होता है, साहस है, तो ये ऐसे ही डेयर से बनेगा। तो देखिए यहां पर डेयर है तो डेयर, अब ये यू है तो इसके साथ एस आई एस लगता नहीं है, तो यहां आने की, तो क्या होगा टू कम, क्योंकि कम जो है आना एक वर्ब हो गया, तो यहां पर टू कम हो गया, और यहां का होता है हियर, ये देखो दोस्तों बन गया, ठीक है। तो डेयर और नीड का जो प्रयोग है इस प्रकार से दोस्तों होता है, ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही होता है। तो डेयर का मतलब आप समझ गए कि हिम्मत करना या साहस करने की जहां बात हो हम डेयर लगाएंगे, और नीड जहां आवश्यकता होगी, की आवश्यकता है या आवश्यक है तो उसके लिए हम लोग नीड का प्रयोग लगता है। जैसे मोडाल के रूप में आप जैसे कैन कुड मे माई मस्ट जानते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर इसका प्रयोग एक्जुलरी भारत में हो जाए तो हम लोग उसी रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने लिख कर बताऊ एग्जाम्पल। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपके सामने कि अगर डेयर और नीड का प्रयोग, जैसे कि आपने देखा कि मेन वर्ब के रूप में होता है, अगर डेयर नीड का प्रयोग जो होता है अगर नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाए तब उसका उपयोग कैसे होता है और वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए डेयर और नीड का प्रयोग, अगर इनका प्रयोग नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में हो जाता है तो दो ही रूप में इन बनते हैं, एक होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा मैंने बताया था, और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट में।
यही दूर, या तो डू डच का प्रयोग होगा या डिड का प्रयोग होगा, यही तीन एक्जुलरी वर्ब के साथ इसके साथ प्रयोग। जैसा कि एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, जैसे कि उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या हो गया, ये होगा आपको नहीं है, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो ये की आवश्यकता है, यानी नीड का प्रयोग होगा यहाँ पर, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो सीधे डायरेक्ट हम लोग बताएंगे, जैसे कि ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग होता है, तो आवश्यकता है, ता है प्रयोग है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों प्रयोग होता है डू और डज का। तो यहां पर लिखेंगे ही के साथ लगता है डज नॉट, और मेन भर्ब में क्या देंगे नीड, मेन भर्ब में क्या हो जाएगा नीड, उसके बाद क्या होता है जाने की, यानी टू गो देयर। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डच या डू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट हम लोग डिड का प्रयोग। जैसे नीचे हम लोग देते हैं कि उन लोगों को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं, ई जब आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो हम इसे बोले उन लोगों क्या होता है, जैसे दे डिड नॉट टू, नहीं डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, ये हो गया। देखिए दोस्तों यहां पर डिड का प्रयोग है, यहां पर डज का प्रयोग है, तो जब भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे। अभी मैं लिख देता हूं, आप उसे लिख लीजिए। देखिए मैंने लिख दिया है आपके सामने यहां पर, देखिए। तो अगर इनका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में हो तब तो हम लोग डू डज या डीड का प्रयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू डज का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस में हम लोग तो डीड का प्रयोग। लास्ट मान लीजिए हो गया कि मुझे अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं था, अगर था रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डीड से बनाएंगे, अगर है तो हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज या डीड लिखेंगे, इसमें से कोई लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद डेयर आर नीड, जो है मीनिंग के अनुसार हम लोग सेंस के अनुसार लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू वर्ब ऑब्लिक देकर और ईटीसी, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पर ये है कि मुझे अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, तो की हिम्मत की बात आ रही है, यानी डेयर की बात हो रही है यहां पर, तो हम लोग डेयर का प्रयोग है। जैसे इसका हो जाएगा कि आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो हाय है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, तो इंडिफिनिट क्या लगेगा, यानी आई के साथ लगता है डू नॉट डेयर, क्योंकि हिम्मत की बात है, डेयर क्या है अपोज करने का, टू अब विरोध करना, अपोज का मतलब हो गया क्या, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो यहां पर लिखेंगे टू अपोज किसका, तो माई फादर, ये बन गया दोस्तों बिल्कुल। यानी सब्जेक्ट लिखे उसके बाद डू नॉट, क्योंकि ये है तो प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम लोग यहां पर डू नॉट का प्रयोग लिखे यहां पर, उसके बाद क्या है नॉट है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद डेयर और नीड की आवश्यकता है, तो इसमें क्या है हिम्मत की बात है तो डेयर लगा दिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है टू अपोज माई फादर, ठीक है। ये हो गया आपको, अगर मान लीजिए यही अगर पास्ट में हो जाता, जैसे यहां पर अगर लिख देते, देखिए यहां पर अगर यहां पर मान लीजिए था हो जाता तो ये क्या हो, सेंटेंस पास्ट में हो जाता, तो जब पास्ट में हो जाता दोस्तों तो हम इसका ऐसे बना देते हैं कि आई जो डू लगता था वह क्या हो जाएगा आई डिड नॉट डेयर टू अपोज माई फादर, ये हो जाता दोस्तों कि मैं अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं था, मुझे अपने पिता का विरोध करने का हिम्मत नहीं था, तो ये हो गया पास्ट में। तो जब भी पास्ट अगर निगेटिव रहे या इंटरगेटिव रहे तो हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग डू डच का प्रयोग, किसमें, निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में। तो ये निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको मैं बता दिया, अभी इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल आपके सामने मैं लिख देता हूं। जैसा कि देखिए दोस्तों कि मैं इंटरगेटिव सेंटेंस का आपके सामने रूल लिख दिया हूं, जैसे देखिए डू डच का प्रयोग या डीड का होगा इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरगेटिव के लिए, तो इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर पास्ट रहेगा तो हम लोग शुरू में डिड का प्रयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट रहेगा डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर एंड नीड का, उसके बाद ऑब्जेक्ट या
टू वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो होगा इटीसी लिख देंगे। तो अब एग्जांपल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि एग्जांपल के साथ आप समझ जाएगा कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर दोस्तों कि क्या उसको मुझसे बात करने की हिम्मत है, यानी हिम्मत की बात हो रही है, यानी डेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग डेयर का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्नवाचक एंड इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले इसमें से डू डज का, देखिए तो उसको है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डोज डज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई है तो प्रेजेंट होगा, तो डज ही क्या होगा दोस्तों, डेयर आई नीड, तो डेयर होगा डेयर। उसके बाद क्या होगा, किससे बात करने की, तो मुझसे बात करने की, तो यहां पर लिखेंगे टू टॉक टू मी। हो गया दोस्तों, अगर इंटरगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है इसके पहले वाले से ना। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए। देखिए तो ये हो गया आपके सामने, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा कि देखिए कि क्या आपको मेरी मदद की आवश्यकता है। यहां पर देखिए दोस्तों क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये इंटरगेटिव हो गया, तो इंटरगेटिव हो गया जैसे उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले वाला बनाए थे। इसमें आवश्यकता यानी की आवश्यकता की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर लगेगा हम लोगों का नीड, क्योंकि नीड का ही मतलब होता है आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना। तो सबसे पहले देखिए आपको है, यू है, यू के साथ हमेशा डू लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डू यू, उसके बाद डेयर या नीड होगा तो नीड होगा, नीड किसकी, तो टू हेल्प, टू डायरेक्ट लिखेंगे माई हेल्प क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों हो गया ना, डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर इंटरगेटिव सेंटेंस रह जाएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसी में कि कभी कभी क्या होता है कि जब अभी जो है मेन वर्ब के रूप में यूज होता था, कभी कभी इसका प्रयोग जो होता है डेयर और नीड का प्रयोग जो होता है एक्जुलरी वर्ब के रूप में होता है। मैंने जितना भी बताया आपको अभी, आप जितना भी रूल था वो डेयर और नीड को मेन वर्ब के रूप में यूज करने की बात थी, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इसका प्रयोग जो है वो एक्जुलरी वर्ब के रूप में होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, केवल एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि डेयर और नीड का प्रयोग, देखिए डेयर और नीड का प्रयोग नेगेटिव या इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कभी कभी इसे एक्जुलरी वर्ब के रूप में लेते हैं लोग। जैसे यहां पर जिसे डू नॉट हम लोग लगाते थे और मेन वर्ब होता था, ये मेन वर्ब के रूप में, लेकिन यहां पर क्या है इसको क्या गया एक्जुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और कम को जो है मेन वर्ब के प्रयोग किया। ये क्या हो गया एक्जुलरी वर्ब हो गया यानी सहायक क्रिया, और ये हो गया मेन हो गया, ठीक है। जैसे इसमें भी डेयर को भी क्या एक्जुलरी वर्ब के रूप में होगा और इसको मेन। तो अगर ऐसे भी सेंटेंस आए हम लोग दोस्तों तो इसे गलती नहीं माना है, कॉमन एरर में ऐसे भी सेंटेंस देते हैं तो इसे गलत नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जो है दोस्तों नेगेटिव फॉर्म में कहीं कहीं एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी होता है। ये दोनों सेंटेंस सही है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए दोस्तों कि मैंने डेयर और नीड की मीनिंग से लेकर उसका सेंटेंस तक और नियम तक आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि लग रही है तो आप इसे मुझे बता सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिससे आप देखिए और उसे समझिए, उसका आंसर दीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अनेक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सके और समझ सके। देखिए मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हूं, मुझे उससे प्यार करने की आवश्यकता है और उसे तुम्हारे घर जाने की हिम्मत था। आप ये दोनों सेंटेंस को बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों कि आप ये सेंटेंस किस प्रकार समझे और बनाए तो इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों ट्रांसलेट कर अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको पढ़ाता रहूंगा, आपको हर सब्जेक्ट से समझाता रहूंगा और आप जो है अपने पढ़ाई की संबंधित जो भी जानकारी है उसे अर्जित करते हैं और आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों।